उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नई आबकारी नीति को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि नई शराब नीति में दाम इसलिए बढ़ाए गए हैं क्योंकि उनकी सरकार की नीति शराब को प्रोत्साहित करने की नहीं है। दरअसल नई शराब नीति को बुधवार को ही मंजूरी दी गई है और इस नई नीति में सरकार ने 2% का सेस लगाया है जिससे प्रदेश में शराब की कीमत 8% बढ़ जाएगी। नई शराब नीति में एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ाई गई है और राज्य कैबिनेट ने 15% एक्साइज ड्यूटी तय की है। साथ ही देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल को छोड़कर पहाड़ी इलाके में शराब की दुकानें दिन के 12 बजे से शाम के 6 बजे तक ही खोली जाएंगी। शराब के ठेकों के निस्तारण का जिम्मा जिलाधिकारी के पास रहेगा और नई शराब नीति में शराब से वसूली का लक्ष्य 2310 करोड़ रखा गया है। नई शराब नीति में नई दुकानों की अनुमति नहीं दी गई है और इस बार GMVN और KMVN को भी बार संचालित करने की अनुमति दी गई है। मैंने बड़ा स्पष्ट किया है कि शराबबंदी के आर्थर इफेक्ट उनके बारे में भी हमको सोचना होगा, उनका भी अनुभव हमको लेना होगा। लेकिन शराब कम बिके इसके लिए हमने शराब थोड़ा महंगी भी की है। शराब में से 2% हमने सेस लगाया है जो महिला कल्याण के लिए और सड़कों की सुरक्षा के लिए एक अलग से फंड हमने रेज किया है। इसके साथ ही हमने दुकानें भी कुछ कम की हैं दुकानें हमने, और इसलिए समय की भी सीमा हमने 6 घंटा जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं उसकी समय सीमा भी मैंने बहुत पहले घोषणा की थी कि हम इसको प्रोत्साहित नहीं करना चाहते, हमारी नीति प्रोत्साहन की नहीं है, उसके अनुरूप हमने निर्णय लिए हैं।